ए सी सी एग्जाम्स में गारंटीड पासिंग चाहिए दीपन सर यहां पर लेके आया है पांच ऐसे गारंटीड टिप्स कि जिसके जरिए आप एसी सी ए के कोई भी पेपर को आसानी से पास कर पाओगे बट उसके लिए आपके ये पाँच टिप्स को अंडरस्टैंडिंग लेना एंड उसको अपने स्टडी के दौरान में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है चलिए स्टार्ट करते स्टूडेंट्स द फर्स्ट टिप इज द प्रिपरेशन अर्ली यस अगर आप भैया एंड मोमेंट में जागोगे तो कुछ होने वाला नहीं है यू विल गोइंग टू हैव लॉस एंड लॉस ऑफ प्रेशर फ्रस्ट्रेशन एंड आपका कॉन्फिडेंस सीधा डाउन चला जाएगा अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो हम काफ़ी बार अभी जो काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं ए सी सी ए के अंदर तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया सुनो अगर आपका कन्फर्म ही है ना ए सी सी ए करने का है तो अभी से जून एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आपके पास चार से पांच महीने रहेंगे टू तो प्रिपेयर फॉर द जून एग्जामिनेशनस क्यों डीले कर रहे हो चार से पाँच महीने में आप थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी काफ़ी बार क्या कर लेते हैं पता है कि जब उसका सिलेबस चालू हुआ है जब वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पढ़ रहा है ना तब तो बहुत ही कम टाइम अलोकेट करते हैं ए सी सी प्रिपरेशन में प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली कंप्लीट द सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल एन गिव मैक्सिमम टाइम टू द ए सी सी एग्जाम किट यस दिस इज़ द की टू सक्सेस द सेकेंड टिप दैट आई want टू गिव हियर इज दैट काफ़ी सारे बच्चे स्टडी टेक्स के अंदर इतना टाइम अलोकेट कर लेते हैं ना कि फिर एग्जाम किट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता है तो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि एग्जाम किट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द ए सी सी ए पासिंग एंड कभी कभी मैं बोलता हूँ एग्जाम किट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द स्टडी टेक्सट यस सो प्लीज़ याद रखिए स्टडी टेक्स्ट उसकी जगह सही है बट एग्ज़ाम किट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है पासिंग के लिए टिप नंबर थ्री एग्जामिनर्स जो होते हैं ए सी पेपर चेकर्स जो होते हैं वो काफ़ी बार ये चीज़ कंप्लेन करते हैं कि हम पेपर चेक कर रहे हैं ना तो स्टूडेंट्स का आंसर रिक्वायरमेंट के साथ में मैच नहीं कर रहा है एंड दैट्स वाई एग्जामिनर्स काफ़ी बार लिखते हैं कि स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं पता है उनको जो आता है ना वो लिख के आते हैं एंड ये नहीं देखते कि क्या पूछा है दैट मीन्स स्टूडेंट्स राइट वट दे नो एंड दे डोंट एक्चुअली राइट वट इज

कि आप क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हो एंड क्या क्या अंदर लिखने वाले हो तो आंसर प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सो कि आपका आंसर रिक्वायरमेंट के पैरेलल जाए द फोर्थ टिप हियर इट इज दैट कि काफ़ी सारे बच्चे जब आंसर लिखना बैठते हैं ना तो फिर रुकते ही नहीं है सो टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट इश्यू बिकॉज स्टूडेंट्स को जब आंसर आ रहा है ना तो बस लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं एंड एज एन एस बी एल ट्यूटर मेरे को तो ये बहुत प्रॉब्लम फेस होता है सर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है भैया आप अपना आंसर का लेंथ तो देखो बस भैया लिखते जा रहे हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग लोकेट द टाइम कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर फिफ्टीन मिनट्स दूंगा बट फिफ्टीन मिनट्स में फिर जितना लिखा जाएगा ना बस उतना लिख दूंगा यस yes. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने है ना कोई एक क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा टाइम अलोकेट कर देते हैं फिर पीछे के क्वेश्चन में फिर टाइम ही नहीं बच रहा है सो प्लीज मेक एन हैबिट कि कोई भी रिक्वायरमेंट आप लिख रहे हो ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑल्सो इन द एग्जाम किट ऑल्सो टाइम अलोकेट कर दो इतने मार्क का क्वेश्चन है इससे ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा फिर जितना हो उतना लिखूंगा बाकी छोड़ दूंगा यस yes. सो so, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में बेटर होना है तो यस एंड टाइम टू टाइम पूरा प्रेपेयर कंप्लीट करना है तो देन उसके बाद स्टूडेंट्स द फिफ्थ टिप इज दैट कि जब कभी भी आप अपना आंसर लिख रहे हो ना यस yes, उसको विदाउट फेल कोई अच्छे से ट्यूटर एक्सपीरियंस्ड ट्यूटर या मेंटर के थ्रू Uh, उनको इवेल्यूएट करवा दो सो so दैट कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले कि वेदर योर आंसर विल गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल और नॉट बिकॉज एज एन ट्यूटर जैसे कि मैं भी ट्यूटर हूँ ना तो हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आई हैव अंडर गोन एडवांस द टैक्सेशन ए टी एक्स का पेपर चेकिंग पेपर इवेल्युएशन का ट्रेनिंग गो थ्रू करके आया हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ए सी सी ए टी एक्स पेपर कैसे चेक करता है सो so, एज एन ट्यूटर हमको पता है कि हम पेपर चेकिंग में क्या गाइडेंस होता है कब मार्क्स मिलेंगे कब मार्क्स नहीं मिलेंगे वॉट आर द एक्सेप्टेबल लैंग्वेज वॉट आर नॉट सो ऑल दोज थिंग्स इज इम्पोर्टेंट अगर आप अपना आंसर कोई अच्छे से मेंटर या ट्यूटर के पास से एवेल्युएट करवा रहे हो तो आपको सही में सही गाइडेंस मिलेगा सही सजेशंस मिलेगा एंड इम्प्रूवमेंट्स के लिए काफ़ी सारा गाइडेंस मिलने वाला है यस yes? ये रहे स्टूडेंट्स हमारे पांच टिप्स की जो रियली really में आप अगर इंप्लीमेंट कर दो तो आपको कोई भी पेपर में फेलियर देखने को नहीं मिलेगा एंड शॉर्ट शॉर्ट पासिंग देखने को मिलेगा मिलेगा एंड मिलेगा थैंक यू गाइज अगर आपकी साइड से भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा ये तो सिर्फ मैंने पांच पॉइंट्स को कवर अप किया है एंड उसको भी बहुत ही कंसाइज मैनर में कवर करने का ट्राई किया है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए शुक्रिया बाय बाय